हार्मोनिक मोशन है, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि पूछा क्या जा रहा है। जब तक आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे कि कह क्या रहा है, तब तक तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सवाल कैसे कैलकुलेट कर जब तुम्हें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो वो चीज तुम सॉल्व नहीं कर सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड द टारगेट। सबसे पहले हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल का कितना पार्ट है, हम सबको पता काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का कितना पार्ट है एक स्पेशल डिस्प्लेसमेंट पे, वो स्पेशल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बाई टू पे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं आसान सवाल की कैटेगरी में रखता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, मतलब ये इसको के मान लो, तो इसको मैंने के मान लिया, तो ये हाफ के और ये आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। इसको ऐसे रहने देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब टारगेट है मेरा टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना, हाफ के एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर, ये डायरेक्ट ऑलरेडी इसी के फॉर्मेट में है, डिवाइड कर दो, पहले से दूसरे में डिवाइड कर दो। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी ए टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू हाफ ए के, और इसमें से मैं थ्री ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर करता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा, इससे डिवाइड कर दोगे तो ये 2 ऊपर चला गया, के ए स्क्वायर इधर रह गया, ये सारा कट गया, तो ये 3 बाई 4। देखो बी ऑप्शन हम लोग का सही है, द फाइनल सॉल्यूशन इज बी। नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ए बॉडी